नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और मेरा ट्रियो को लिए हुए लगभग 20 माह कंप्लीट हो गया है और 20 माह में मैंने अपने ट्रियो को 63,236 किलोमीटर चला लिया हूं। और इसमें अभी हमारा बैटरी 128% है, 128 किलोमीटर हम जा सकते हैं। इसमें अपना पाँचों पॉइंट बैटरी पूरी तरह से फुल दिखा रहा है। और 20 माह में होने के बाद मैं आपको अपना ट्रियो का पहले कंडीशन दिखा देता हूँ कि मेरा ट्रियो कैसा दिखता है 20 माह होने के बाद भी। अभी आप मेरा ट्रियो को कंडीशन देख लीजिए, 20 माह होने के बाद मेरा ट्रियो का कंडीशन कैसा है, उसके बाद बात करते हैं इसके वारंटी के बारे में। तो पहले आप मेरा ट्रियो का कंडीशन देख लीजिए, 20 माह कंप्लीट होने के बाद मेरा ट्रियो कैसा दिखता है। इसमें बहुत जगह स्क्रैच वगैरह आ गया है, क्योंकि अगर मैं सही चलता हूँ तो रोड में दूसरे गाड़ी वाला सही नहीं चलता, क्योंकि अगर रोड में गाड़ी निकलेगा तो कहीं ना कहीं स्क्रैच तो आएगा। लेकिन जिस हिसाब से मेरा गाड़ी का रनिंग है और मैंने इसको 63,000 चला लिया है, उस हिसाब से मेरा ट्रियो अभी भी मेरे को नया ही दिखता है। देख लीजिए, इसमें आपको बहुत कम स्क्रैच देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका दरवाजे के पास स्क्रैच आ गया है, ये इसका साइड से स्क्रैच आ गया है और ये पूरी तरह से फाइबर बॉडी है। इसका पीछे से आप देखना, कई ट्रियो का तो बम्फर पूरी तरह से, ये जो इसका बम्फर जो है ये पूरी तरह से चिपट जाया रहता है, लेकिन हमारा बम्फर अभी तक सही है, ये कहीं से ठोका पीटा नहीं है, पीछे से बिल्कुल नया दिखता है। और इधर साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा ट्रियो साइड से इधर पूरी तरह से भी बिल्कुल नया ही दिखता है। इसमें स्क्रैच मात्र इसके दरवाजे में आया है, इसमें क्योंकि हैवी सामान वगैरह इसी के ऊपर डाल देते हैं ना, लाते हैं तो इसी के ऊपर डाल देता है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा ये फट गया है। और ये मजबूत इसका फाइबर है, इसी नाम से ये नहीं टूटा है ये अभी तक, नहीं तो दूसरा फाइबर होता तो टूट जाता। और इसका हुड भी देख लीजिए, 20 माह भी हमारा ट्रियो का हुड अभी भी पूरी तरह से नया ही है, ये इसका हुड अभी भी नया है ही है। मात्र यहाँ पे एक मेरे एक गलती के नाम से एक छोटा सा यहाँ से एक छेद हो गया था, मैंने अंगूर का कैरेट को इसी में डाल दिया तो उसी में टच हो गया तो ये फट गया था। और सामने से देख लीजिए, सामने से हमारा ट्रियो अभी बिल्कुल नया ही दिखता है, इसमें स्क्रैच वगैरह नहीं आया है। इसका देख लीजिए, सब सही से सही दिख रहा है 20 माह कंप्लीट होने के बाद। अब बात कर लेते हैं इसका वारंटी के बारे में। तो ट्रियो में आपको वारंटी मिलता है 80,000 किलोमीटर या तो फिर 3 साल। तो जिस हिसाब से हमारा ट्रियो का रनिंग है ना, उस हिसाब से तो हमारा वारंटी किलोमीटर में जल्दी पूरा हो जाएगा। इसको मैंने अभी तक 63,236 किलोमीटर चला लिया है, तो जिस हिसाब से मेरा गाड़ी का रनिंग है उस हिसाब से ये लगभग कह सकते हैं 2 साल 4 या 5 महीने में इसका वारंटी मेरा ख़त्म हो जाएगा। किलोमीटर के अनुसार से मेरा ट्रियो का वारंटी जल्दी ख़त्म होगा, साल के अनुसार से नहीं होगा। और बात कर लेते हैं 20 माह बाद हमारे ट्रियो का टायर का कंडीशन कैसा है। तो हमारा ट्रियो का जो टायर का कंडीशन है देख लीजिए, इसमें अभी भी इसका ग्रिप बिल्कुल सही है, ये अभी भी 4-5 हज़ार किलोमीटर में इसको मैं अभी चला सकता हूँ। और ये इसका तीनों टायर का कंडीशन ऐसे ही है। और इसको अब मैं सामने का भी टायर दिखा देता हूँ, इसका ग्रिप अभी भी सही है, देख लीजिए इसका सामने का ग्रिप भी बिल्कुल सही है दोस्तों, इतना इसका टायर अभी ख़राब नहीं हुआ है 63,000 किलोमीटर रनिंग होने के बाद। और इसको मैंने अभी तक 7 सर्विसिंग कंप्लीट कर लिया है और 7 सर्विसिंग में मात्र मैंने इसमें अभी तक एक भी पार्ट्स चेंज नहीं किया है। इसका ब्रेक शू भी अभी भी बिल्कुल सही है, इसका तीनों टायर का ब्रेक शू बिल्कुल सही है, क्योंकि इसको मैंने अभी हाल ही में इसको सर्विसिंग करा के आया तो इसका ब्रेक शू वगैरह देखे थे, तो इसका ब्रेक शू वगैरह बिल्कुल सही है। और इसमें मैंने अपने ट्रियो में कुछ भी मॉडिफाई वगैरह नहीं किया है। इसका सीट को मैंने एक सीट बस लगवाया हूँ और इसका एंगल वगैरह को मैं नहीं सीधा भी नहीं किया हूँ, ये मात्र मैंने एक सीट बस लगवाया, क्योंकि इसमें आपको 3x3+ एक ड्राइवर यानी कि 3+1 का इसमें आपको पासिंग मिलता है, एक ड्राइवर और 3 सवारी का। और उस हिसाब से मैंने इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं करवाया है। और इसका मैं आपको इसका ब्रेक ऑयल दिखा देता हूँ, इसका ब्रेक ऑयल 63,000 किलोमीटर चलने के बाद, ये जब लिए थे ना तो गाड़ी तो ये पूरी तरह से फुल था, इसमें अभी इतना कम हो गया है इसका ऑयल। और इसका मेन चीज़ है, इतना आप चलाने के बाद हमारे ट्रियो का माइलेज कैसा निकलता है। तो दोस्तों, मेरा गाड़ी ज़्यादातर मैं इसको लंबा ही रनिंग चलाता हूँ, मेरा गाड़ी का अभी भी माइलेज 63,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी मेरा ट्रियो का माइलेज लगभग 130 के पास आ ही जा रहा है। और इसमें आपको 48 वाट का बैटरी देखने को मिलता है और थोड़ा बहुत एवरेज कम हुआ होगा, लेकिन मैंने तो उतना क्लियर नहीं किया है,
जिस हिसाब से मेरा गाड़ी का लंबा रनिंग है उस हिसाब से तो मेरा ट्रियो का माइलेज बिल्कुल सही आ रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, 20 माह कंप्लीट होने के बाद भी हमारा ट्रियो का कंडीशन बिल्कुल नया जैसा ही है। आप क्या है, मेरा ट्रियो एक हत्थी, यानी कि मैं ही बस चलाता हूँ इसको, मैं दूसरे को तो चलाने नहीं देता, इस नाम से मेरा ट्रियो का कंडीशन बिल्कुल नया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप ट्रियो लेते हैं या ट्रियो प्लस, तो इसका किलोमीटर के अनुसार से इसका वारंटी जल्दी ख़त्म होगा, साल के अनुसार से तो इसका वारंटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 साल से पहले ही हम लोग इसको पूरी तरह से रनिंग कर लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।